सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ओडा को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ओडा में आप सभी का वेलकम और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी डाइट्स के बारे में, डेली रूटीन की डाइट जो स्किनी गाइज हैं, जो पतले लोग हैं उनके लिए ये डाइट है। उससे आप अपना जो इजीली आराम से नेचुरली तरीके से, कोई सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, 5 to 6 kg, जी हाँ दोस्तों 5 से 6 kg आप नेचुरली वेट बढ़ा सकते हो पर मंथ का। जो मैं डाइट बता रहा हूँ आपको, इस डाइट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका इजीली वेट बढ़ेगा। और आपने अगर मेरे YouTube चैनल एमएस ओडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, उसे ज़रूर दबाएं और पास में एक बेल का आइकन है उसे भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। अब मॉर्निंग की डाइट की हम बात करते हैं। सबसे पहले सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता आपका जो हैवी होना चाहिए, जिसमें हाई कैलोरीज होनी चाहिए, जिससे आपका वेट इजीली बढ़ेगा। तो आपको 2 से 3 मुट्ठी ब्लैक चने जो आते हैं, काले चने, ये भिगो के रखने हैं और उन्हें सुबह धोकर के खाने हैं। उसके साथ में आप 2 से 3 बनाना का शेक बनाकर भी पी सकते हैं और 1 कटोरी दलिया लेना आपको। और साथ में कोशिश करें आप उसके साथ में जैसे एक कोकोनट नारियल जो होता है उसको भी रात को भिगो के रखें, सुबह खाएं। और नेक्स्ट जो आपकी मील होगी, सेकंड मील होगी, जैसे 8 से 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, नेक्स्ट जो आपकी मील होगी वो होगी आपकी 12 से 1 बजे के बीच में या 11 से 12 बजे के बीच में। उसमें आप 2 से 3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के ले लें, उसके ऊपर आपको 3 जो है ब्राउन ब्रेड लेने हैं, साथ में आपको पीनट बटर डालना है 2 ब्राउन ब्रेड के ऊपर, 1-1 स्पून जो है 1-1 चम्मच हनी डालना है और 1 बनाना बारीक सा काट के ये आपको डालना है सेकंड मील के अंदर। नेक्स्ट जो आपकी मील होगी उसमें आप नॉर्मली जो रोटी वगैरह कुछ भी लेते हैं वो ले सकते हैं। उसके साथ में कोशिश करें मूँग हो, ग्रीन कलर के जो मूँग आते हैं वो हो, चाहे दालें हो, ऐसी कोई चीज़ ऐड करें। उसके बाद में आप 2 से 3 बजे के बीच में 1 मुट्ठी पीनट ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं और किशमिश जो आती है किशमिश ले सकते हैं 15 से 20 ग्राम उसके साथ में। और अब शाम की बात करते हैं, एक्सरसाइज से पहले, वर्कआउट से पहले, प्री वर्कआउट की अगर बात करते हैं तो आप 2 से 3 बनाना खा के जा सकते हैं, 2 से 4 साथ में 1 वाइट्स ले सकते हैं एक्सरसाइज से पहले। और जिम जाने के बाद में अब वापस आप घर आते हो उसके साथ में आप पनीर ऐड कर सकते हो, 100 से 200 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हो जो आपकी कैपेसिटी हो खाने की। उसके बाद में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, एग्स, ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप कोशिश करें 15 से 20 जो है खजूर अपनी डेली डाइट के अंदर ऐड करें। उसके साथ में 1 गिलास आप जो है मिल्क ले सकते हैं, दूध, गुनगुना दूध ले, उसके साथ में 1 स्पून जो है 1 चम्मच 5 ग्राम आप अश्वगंधा ले सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, जो मैंने अभी डाइट बताई ये स्किनी गाय अगर कोई लेता है तो आपके 101% 5 to 6 kg वेट पर मंथ इंक्रीज़ होगा। फर्स्ट में इंक्रीज़ होगा, उसके बाद में धीरे धीरे जो है 2 से 3 किलो होगा। तो आप अगर इस डाइट को बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट भी मिलेंगे इसके साथ में। तो गाइज, मैं आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एमएस ओडा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है उसे भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले।